गच्छद्वं संवदद्वं शंवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ शमानो मंत्रः शमीतिः शमानि शमानं मनः शः चित्तं मेषां शमानं मंत्रं अभिमन्त्रे शमानेन वो हविषायुहोमि शमानीव आकूतिः शमाना हृदयानि वः शमानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासते ॐ शहनाववतु शहनौ भुनक्तु शहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम लोग योग समग्र स्वास्थ्य के लिए चाइल्ड क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर ये ठीक से चला और आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोग रुचि लिए, तो ये निरंतर चलेगी सुबह 6 बजे से। तो आज पहली क्लास है समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। हम लोग सबसे पहले जैसे हम वज्रासन में बैठे थे, वैसे ही सिद्धासन, वज्रासन या किसी भी ऐसे सुखद आसन में बैठ करके कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति क्यों करते हैं? कपाल माने खोपड़ी, भाति माने चमकाना। कपालम भाति थी कपालभाति, इसको स्वच्छ करने वाली क्रिया, इसको संतुलित रखने वाली क्रिया, इसको व्यवस्थित रखने वाली क्रिया। माने हमारे ब्रेन में ब्रेन फंक्शन अच्छा रहेगा कपालभाति से, साइनस नहीं होगा, थ्रॉट में जो प्रॉब्लम होती है, गले में खराश होती है, ये सब समस्याएं नहीं होंगी इस अभ्यास को करने से। अब ध्यान देंगे, श्वास छोड़ते जाना है, स्वतः भीतर जाएगी। जिनका रक्तचाप अधिक हो वे लोग थोड़ा धीमी गति से चलाएंगे। और जिनका नॉर्मल है वो इस तरह से, और जो थोड़ा तेज चला सकते हैं वो, जिनकी शक्ति सामर्थ्य ठीक ठाक है वे थोड़ा तेज भी चला सकते हैं। देखिए तीसरा क्रम जो सबसे हाई लेवल का है। हमने 100 टाइम्स किया, 100 टाइम्स करने के बाद अब हम उधर को भीतर की ओर खींचेंगे। पेट को खींचना है और कहाँ से खींचेंगे? नाभि के निचले हिस्से से। धीरे से उधर को ढीला करते हैं। आप सभी ध्यान देंगे, हम उड्डयन बंद लगाते हैं, मूलाधार को खींचते हैं, मूल बंद लगाते हैं, चिन लॉक करते हैं गले को,
दबाते हैं, थोड़ी कंठपुक से लगाते हैं, जालंधर बंद करते हैं। ये तीनों बंद जब एक साथ लगता है तो इसको कहते हैं महाबंध। महाबंध में हम श्वास को बाहर रोकते हैं, तो इसे महाबंध के साथ करने पर इसे बाह्य प्राणायाम कहा जाता है। और इसी में दूसरी क्रिया जो होती है उसमें श्वास को बाहर रोक करके, बाहर निकाल करके बाहर रोक देते हैं और पेट को भीतर बाहर पंपिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं अग्निसार, जिसका वर्णन गिरिंड संहिता में गिरिंड ऋषि ने किया है। नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारंच कारयेत, ये जो नाभि ग्रंथि है, ये नाभि का जो गुच्छ है, इसको 100 बार आगे पीछे करना है। 100 बार सबसे नहीं होगा, इसलिए शुरू में आप 5 बार 10 बार करें, धीरे धीरे अच्छा अभ्यास हो जाए तो 20 बार, फिर 50 बार, 50 के ऊपर न जाए, 50 के 2 राउंड कर लें या 20-20 के 5 राउंड कर लें। देखिए, ऐसे जो है काउंटिंग करते रहना है। आप देख रहे हैं श्वास की गति बहुत नहीं बढ़ी, इतना ही आपको करना है जिसने से श्वास की गति आपकी बहुत ज्यादा ना बढ़े। श्वास की गति थोड़ा तो बढ़ेगी लेकिन नॉर्मल से थोड़ा बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब देखिए, जब हम अग्निसार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो एक और क्रिया इसमें होती है, इसको कहते हैं नौली चालन। पहले हमारा नौली क्रम होगा, फिर नौली मध्य नौली, फिर वाम नौली, दक्षिण नौली, फिर नौली चालन। अब इसी क्रम में नौली चालन, सर्टिफिकेट वाले में दे रहे ना हमारी इसमें से, इसमें है सारी बुक, देखिए। अब हम लोग फिर से कपालभाति करेंगे, अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं। त्रिबंध लगाएंगे बाह्य प्राणायाम,
इसको जितनी देर आराम से रोक सकते हैं त्रिबंध लगाकर रोकते हैं, जब न रुके तब आप धीरे से उदर को ढीला करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं। श्वास लेते समय ध्यान रखना है गले से रगड़ते हुए वायु को खींचे, गले से रगड़ते हुए वायु को खींचने पर यह कौन सी क्रिया होगी, ये उज्जयी वाली क्रिया होगी, ये विशेष ध्यान देना है। अब अग्निसार, ऐसे आप 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स, लेकिन आप 50 से ज्यादा ना करें तो अच्छा है, 10 to 50 आपकी जितनी क्षमता हो उतना आप करें, और इससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहता है, इससे हमारी पैनक्रियाज अच्छी रहेगी, इससे हमारी छोटी बड़ी आंतों में, हमारे लीवर में, हमारे स्प्लिन में, हमारे गाल ब्लैडर में, हमारे स्टमक में, हमारे पूरे उदर के हिस्से में संतुलन स्थापित होता है, और साथ में हमारा पेट जो है जो एक्स्ट्रा चर्बी से युक्त होता है वो हल्का हो जाता है, और जिसकी जठराग्नि बहुत मंद है जठराग्नि उसकी तीव्र हो जाती है। उदरा मयजम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत, उदर के आमय मन रोगों को ये नष्ट कर देता है, दूर कर देता है और जठराग्नि को बढ़ा देता है, इसलिए इसको बराबर सबको करना चाहिए। इस समय जो परिस्थिति चल रही है सभी के लिए अच्छा है, इसमें ऑक्सीजन भी बढ़ता है, कपालभाति करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, कपालभाति से लंग्स कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, ब्रेन में जो बहुत सारी विकृतियां बनी रहती हैं पहले से, भय जैसा जो व्याप्त है मनुष्य के भीतर वो भय भी आपको दूर हो जाता है, आपको परेशान नहीं करता है, और इसके साथ साथ आप विशेष प्रकार की उपलब्धियां भी करने लगते हैं, जैसे आपको बिल्कुल शांति, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, निगेटिविटी कभी रहेगी ही नहीं आपके शरीर में, इस तरह से आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसको करने से क्रोध भी शांत होता है, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम आदि का अभ्यास। अब हम लोग थोड़ा सा उज्जयी करेंगे, ध्यान दीजिए कुछ प्राणायाम का क्रम। उज्जयी में क्या करते हैं, उज्जयी में गले को टाइट करके श्वास को खींचते हैं, सभी लोग इसको अवश्य करें, जो संक्रमण काल में इससे बचा जा सकता है, जो संक्रमित है वो भी यदि करने की योग्यता रखते हैं तो इसको करके संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। ऐसे जब आप योग युक्त होते हैं, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं तो संक्रमण मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ठीक प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर से करेंगे गले को टाइट करके, ऐसे आप 3 से 5 राउंड उज्जयी का अवश्य करें।
ऐसे लेफ्ट साइड से धीरे धीरे छोड़ देना है। अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना, फिर आप लोगों को आसन कराएंगे, क्योंकि इस समय प्राणायाम की बड़ी उपयोगिता है। प्राणायाम अनिवार्य है मन को शांत करने के लिए भी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संक्रमण बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से, वायरस से बचने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। देखिए सिंपल भस्त्रिका, ऐसे उज्जाई की भी दूसरी विधि है जो सिंपल, ये तो हमने एक सामान्य उज्जाई की जिसमें आवाज करके करते हैं, एक उज्जाई बहुत सॉफ्ट साउंड के साथ होती है जिसको ध्यान में, जिसको आसन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये भस्त्रिका बिल्कुल सरल तरीके की भस्त्रिका, भस्त्रिका के कई प्रकार हैं, तीन प्रकार बिगिनर्स के लिए, उसके बाद के प्रकार जो है मिडिल लेवल के, जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, और उसके बाद एक दो प्रकार जो हाई लेवल के हैं। देखिए श्वास भरेंगे, थोड़ी देर बाहर रोकते हैं 2 सेकंड कम से कम, फिर सूर्य वेदन करेंगे, राइट से लेंगे मूल बंद लगाते हुए, अब इसके स्ट्रोक्स जो है हमने 50 स्ट्रोक्स लगाए, आप 10 से 20 लगाइए, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, किसी किसी की कैपेसिटी कुछ कम रहती है, वे बहुत ज्यादा ना लगाएं, वे थोड़ा सावधानी से करें तब आपको सुखद अनुभव होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने लगती है। अब देखिए दूसरा क्रम जो है सामने रख करके श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, इससे क्या फिजिकल भी होगा और आपको मेंटल भी दोनों लाभ मिलेगा। थोड़ी देर बाद रोके, अब राइट से लेंगे सूर्य वेदन, लेफ्ट से छोड़ देना है। अब दोनों हाथ सामने रखकर श्वास भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, थोड़ी देर श्वास को बाहर रोकेंगे। ये तीनों क्रम शरीर संवर्धनात्मक क्रम विशेष हैं और आत्मबल संवर्धन क्रम में भी इनकी उपयोगिता है।
इनसे मनस्थिति भी संतुलित रहती है। राइट से खींचेंगे, देखिए स्ट्रोक्स ज्यादा लगेंगे तो आप ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे, और स्ट्रोक्स यदि हिसाब से लगाएंगे तो हम काफी देर तक रोक सकते हैं श्वास को, क्योंकि इसमें फिजिकल भी हो जाती है बहुत हलचल, जैसे आगे पीछे किया तो ये फेफड़े वगैरह काफी खींचते हैं, कंधे खींचते हैं, तो इनकी भी एक्सरसाइज हो जा रही है, इसलिए इसमें फिर श्वास को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, 20 स्ट्रोक्स काफी है, 20 स्ट्रोक्स के बाद आप रोकिए, आराम से रोकेंगे। देखिए अब एक चीज बता दें, जिन लोगों का रक्तचाप बढ़ा हो उनको श्वास को इसमें नहीं रोकना है, उनको क्या करना है, सिंपली छोड़ना भरना छोड़ना भरना छोड़ना भरना छोड़ना भरना, ऐसे जो है धीरे धीरे करें, छोड़ना भरना भरना छोड़ना भरना छोड़ना, इस तरह से भरना छोड़ना भरना छोड़ना। अपनी क्षमता अनुसार वे लोग इन तीनों में से एक क्रम भी अपनाएं तो बहुत है उनके लिए, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कपालभाति कर सकते हैं, धीरे धीरे। वे लोग तेज कपालभाति न करें जिनका रक्तचाप अधिक है या हार्ट की प्रॉब्लम है, कपालभाति सभी के लिए उपयोगी होती है, परंतु सावधानी से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, भय मुक्त होकर के करना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं होती है। भयुक्त होकर के कभी ना करें, पता नहीं क्या होगा, मेरे फेफड़े कमजोर हैं, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। पहले आप लंबी लंबी सांस लेना छोड़ना इस क्रम को व्यवस्थित कीजिए, फिर आपके बाकी सारे क्रम व्यवस्थित हो जाएंगे, और धीरे धीरे कपालभाति। देखिए अब अनुलोम विलोम, फिर हम लोग भस्त्रिका का जो इंटरमीडिएट लेवल वाला क्रम है और हायर क्रम है उसको करेंगे। अब पहले अनुलोम विलोम, बीच में थोड़ा विश्राम के लिए लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, ये एक चक्र अनुलोम विलोम का हुआ। अनुलोम मैंने लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, विलोम मैंने राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा। जब हम इसको करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी, यानी ये शीतल है ये उष्ण है, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित होता है, संतुलन स्थापित होता है। हम लोग कहते हैं नाक जाम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप क्या करें, सुबह 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 उठते ही पहले गुनगुना जल पिए, जल पीने के बाद दोनों नासारंध्रों में दो दो बूंद, चार चार बूंद, जितनी आपकी क्षमता हो सहने की, सरसों तेल डालें ड्रॉप से और खींचें, गले तक आ जाए उसे थूक दीजिए। दो तीन बार यदि आप नासारंध्रों में सरसों तेल का प्रयोग करेंगे तो दोनों नासारंध्र आपके खुले रहेंगे, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले वायरस से बचने का ये सरल उपाय है, सरसों तेल का प्रयोग करें और गले को रगड़ते हुए उज्जाई करें, अनुलोम विलोम करें, थोड़ी भस्त्रिका करें अपनी क्षमता अनुसार, जिसकी जैसी क्षमता हो। अब देखिए भस्त्रिका का अगला क्रम इंटरमीडिएट लेवल में, अब फेफड़ों को फुलाना है छोड़ना है, लेकिन हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ये ब्लड प्रेशर हाई हो तो ऐसे ही करें धीरे धीरे, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वे लोग थोड़ा तेजी से,
थोड़ी देर बाहर रुक दें, राइट से लें, बाहर कितनी देर रोकना है जितनी देर आराम से रुकें। अब राइट से खींचें, चिन लॉक करके रोकेंगे, ऐसे लेफ्ट साइड से छोड़ देते हैं। अब आपने देखा होगा इसमें हम बहुत देर तक रोक सकते हैं, इसमें लंबा छोड़ सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की इसमें। देखिए आजकल जो भ्रांतियां हो रही हैं बहुत सारी, हमें पहले ध्यान में रखना है, भ्रांतियों से भी बचना है और जो प्रचलन में जो भस्त्रिका वगैरह चल रही है उस पर भी ध्यान देना है। ये खराब नहीं है लेकिन बिगिनर्स के लिए ठीक है, फिर सामने से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें क्या है, इसमें शरीर थक जाता है, जब शरीर थक जाएगा तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। पहली बात, सांस ले लेंगे रोकने में कठिनाई होगी, आराम से नहीं रोकेंगे, ले लेंगे रोकेंगे भी लेकिन सहज नहीं रुकेगा। फिर छोड़ना होगा तो छोड़ने में भी आपको उतना सुखद अनुभव नहीं होगा, थोड़ा सफोकेशन होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जो क्रम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए अपने हिसाब से। वो बिगिनर्स के लिए ये इंटरमीडिएट लेवल। अब थोड़ा सा और हाई में जाते हैं तो हायर लेवल में क्या करना चाहिए कि कपालभाति को ही तेज करना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कपालभाति करेंगे तेजी से करेंगे, ट्वेंटी स्ट्रोक्स या उससे थोड़ा अधिक। अब राइट से लेंगे, इसमें और भी आसानी से हमने सांस को लिया, रोका और भी आसानी से हमने राइट साइड से छोड़ा। तो इस तरह से हम, ये थोड़ा सा हाई लेवल था। इसके बाद और इसके तीन चार क्रम हैं जो हायर लेवल में किए जाते हैं। ये पहला क्रम था, आज हम इस क्रम को, प्राणायाम के क्रम को इतना ही रखेंगे। इस क्रम को फिर आगे हम दूसरे दिन चर्चा में लाएंगे। अब थोड़ा सा आसनों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हमने आसन खोला तो आसन खोलते ही हमको एकाएक खड़े नहीं होना चाहिए या किसी दूसरी प्रैक्टिस को न करके। यदि आप बटरफ्लाई करें तो आपके पैल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, थाई लिगामेंट्स आपकी खुल जाएंगे, थाई लिगामेंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, पैल्विक बोन और आपका ये पूरा पैल्विक रीजन इससे विशेष लाभान्वित होगा और पैरों को विश्रांति मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। जो आराम से कर सकते हैं वे लोग इस अवस्था में कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं।
अब हमारी शरीर की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब हम अगला अभ्यास क्रम घुटनों के लिए करेंगे, पैर के लिए करेंगे, और उसके साथ साथ हमारी कमर को भी व्यवस्थित रखने वाला क्रम है ये, इसको कहते हैं नाड़ी संचालन। बहुत कम लोग इस अभ्यास को ठीक प्रकार से करते हैं। यदि इस अभ्यास को ठीक प्रकार से कर लिया जाए तो हमारे पूरे शरीर में संतुलन आ जाता है, लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को वन बाई वन आपको टच करना है। ऐसे आप चलाते रहें, इससे फेफड़े आपके सक्रिय रहेंगे, इससे कफ पित्त आदि की समस्याएं नहीं होंगी, इससे सांस लेने में आपको सुविधा होगी, इससे आपको ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी जल्दी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा और शरीर में होने वाले बहुत सारे इन्फेक्शन नहीं होंगे, संक्रमण नहीं होगा किसी प्रकार का, क्योंकि ये संपूर्ण नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन को व्यवस्थित कर देता है और प्राण ऊर्जा जिसके शरीर में व्यवस्थित रहती है, ब्लड सर्कुलेशन प्राण ऊर्जा के द्वारा होता है, जिसके शरीर में प्राण ऊर्जा व्यवस्थित रहती है उसका सब कुछ उसके अनुकूल रहता है, उसका आरोग्य बना रहता है, उसके शरीर में विकृतियाँ जल्दी नहीं आती है। यदि आ भी गए तो बहुत जल्दी दूर हो जाती है, विकृतियों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस तरह से आप इसको 5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं और ढीम करके 100 बार लेफ्ट राइट 1 लेफ्ट राइट 2 लेफ्ट राइट 3 ऐसे ढीम करके 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। 100 टाइम्स करने से क्या होगा, ये सब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे घुटनों के नीचे की और कमर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आगे ऐसे ही झुकते हैं, इसको कहते हैं धूनमनासन, इसमें विश्राम किया जाता है। घुटनों के नीचे की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी तरह से होने देना चाहिए, यह स्ट्रेचिंग हमारे शरीर को बहुत लाभ प्रदान करती है। अब देखिए चिर युवावस्था को बनाए रखने के लिए वज्रुणी मुद्रा, इसको भी सभी लोगों को नियमित करना चाहिए। नियमित करने से शरीर में चिर यौवन बना रहता, बुढ़ापा का असर जल्दी नहीं होता और शरीर में उत्साह बढ़ेगा और इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो आलस्य वगैरह हमको सताता है या कब्ज गैस की शिकायत रहती है या भूख नहीं लगती है या बुझे हुए रहते हैं लोग, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान देना है हमारी जितनी क्षमता है उतना ही हम करेंगे, 10 नहीं तो 5 बार ही सही और मैक्सिमम 20 बार। और जंपिंग करना है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है, ये भी ध्यान रखिएगा, पीछे को पलटना नहीं है और नीचे आते समय पैर धीरे से भूमि पर आएंगे, बहुत तेजी से नहीं, झटके से नहीं, आराम से आएंगे और पटकेंगे नहीं, पैर आवाज नहीं होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, आराम से सहज होकर के एक सेकेंड 2 सेकेंड रुकना है फिर नीचे आना है। इससे पेट की एक्सरसाइज हो रही है, पेट का व्यायाम हो रहा है। अब स्थिर कर लेंगे थोड़ी देर, पैरों को सीधा करके भी ऐसे 10-15 बार ऐसे भी आप उठा सकते हैं जिनको बहुत प्रेशर लगता हो, एक एक करके, लेकिन पीछे की ओर पलटे नहीं, दीवार के सहारे कर ले ज्यादा अच्छा है।
इस तरह से ये सिंपल वाला जो अभी हमने किया, इससे हमारा पाचन तंत्र काफी सक्रिय रहता है। फिर इसके आगे वाला क्रम हम दूसरे दिन बताएंगे, उसमें थोड़ा सा विशेषता रहेगी। ये बिल्कुल सहज क्रम था जो सभी कर सकते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा ये सब पूरा जो है लाभान्वित हुआ है। अब हम लोग देखिए खड़े होने वाले आसनों में कुछ अभ्यास जो बहुत सरल सरल है, पहले वहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले बॉडी की स्ट्रेचिंग, दोनों पैरों में दूरी बनाकर, ये हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ताड़ासन का अभ्यास करना चाहिए, जितना खींच सकते हैं खींचें, इससे आलस से भी दूर होता है। इस अभ्यास को 3 से 5 बार कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आपकी जितनी क्षमता है, जितने राउंड आपको आवश्यक समझना है, आप करें। अब दोनों पैरों में दूरी बनाकर दोनों हाथ फैला लें, त्रिकोण आसन, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में, घुटनों को सीधा रखेंगे, वापस आते हैं, यही क्रम राइट हैंड को राइट साइड में, वापस आएंगे। अब क्रॉस करेंगे लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को नीचे, ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे, ये सब अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी जिसको शीर्षासन का लाभ लेना है, शीर्षासन नहीं कर पाते वे लोग ऐसे सिर जमीन पर लगा लेंगे, उनको शीर्षासन का कुछ लाभ इसे मिल जाएगा। इसको कहते हैं मध्यमार्ग शीर्षासन। और धीरे से वापस आए, इसको आप लगातार 5 मिनट तक भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जितना आप सहज समय उतना करना। ऐसे ही जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, वे आराम से ऐसे शीश पादांगुष्ठासन, पैर के अंगूठे में सिर को लगाए, हाथ यहाँ रखकर के भी कर सकते हैं इसको पीठ पर। जिनको कठिनाई हो, जो लोग हाथ का सहारा ले लें, जिन्हें कठिनाई ना हो, इस तरह से कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, ये हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अब हम पैरों की दूरी को कम करेंगे, घुटनों को मजबूत करने के लिए दोनों पैरों में दूरी बनाएंगे, एड़ी ऊपर, उत्कट आसन, दोनों हाथ सामने लाएंगे और धीरे धीरे वापस। इसके बाद गरुड़ आसन, ये थोड़ा कठिन अभ्यास है, सावधानी से करना है, ऐसे फिक्स कर देना है पैर को हाथ को, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, शरीर के आलस्य को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, संपूर्ण शरीर इससे लाभान्वित होता है। यही क्रम हम साइड चेंज करके भी से वापस आते हैं। ये बैलेंसिंग पोस्चर था, अभी और भी बहुत सारे बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सभी क्रमों को अपनाते रहेंगे, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ में प्राणायाम का बड़ा महत्व है, प्राणायाम और ध्यान। अभी लास्ट में थोड़ा सा हल्का प्राणायाम और फिर ध्यान करेंगे, और शुरू शुरू में प्राणायाम करना इसलिए जरूरी है हमारा मन शांत रहे। हमारा उद्देश्य आसनों को करने का क्या है, आसन आरोग्य प्रदान करते हैं शरीर को, लेकिन प्राणायाम क्या है, मेंटल और फिजिकल दोनों को बैलेंस करता है। इसलिए पहले मन को शांत करके प्राणायाम करके फिर आसनों को करें, और उसके बाद आसन जब पूर्ण हो जाए फिर आप विधिवत कुंभक करें और फिर ध्यान करें। वैसे नियम है आसन पहले करें प्राणायाम बाद में करें, लेकिन बेसिक जो प्राणायाम के अभ्यास है वो मन को शांत करते हैं, इसलिए हल्के फुल्के प्राणायाम शुरू में अवश्य करें,
फिर एक घंटा डेढ़ घंटा आधी घंटा जिसको जितनी आवश्यकता है उतना जो है आसन के बाद प्राणायाम कुंभक के साथ विधिवत करें, या बिना कुंभक के भी करना हो तो वैसे कर सकते हैं। अब हम लोग बैठने वाले कुछ आसन करेंगे, कुछ पेट के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेंगी। यह है मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज को तोड़ता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वे बराबर इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने से जठराग्नि भी तीव्र होती है, कब्ज गैस की शिकायत कभी नहीं होगी। लेकिन व्यवस्थित क्रम में करना है, सावधानी से करना है। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए मुट्ठियों को नाभि के नीचे लगाने पर। जिनका पेट अधिक हो वे लोग मुट्ठियों को नहीं लगा पाएंगे, तो वे लोग हथेली ऐसे लगा लें, हथेलियों को लगा करके फिर आगे की ओर झुकें, श्वास छोड़ते जाएं। ये सिंपल क्रम हो गया। मुट्ठियों से थोड़ा दबाव अधिक होता है, लेकिन पेट का घेरा अधिक है तो मुट्ठियों की जगह हथेलियों को लगाना चाहिए। और जिनका पेट का घेरा बहुत ज्यादा है उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको ऐसे दूरी बना करके हाथ पीछे पीठ पर रख लें और आगे की ओर ऐसे झुके। इससे क्या होगा, उनका पेट जमीन से लग जाएगा और आराम से आगे की ओर झुक पाएंगे। ये भी एक मंडूकासन है। बड़ी लंबोदर जो है, जो बड़ी तोंद वाले हैं, उनके लिए ये अच्छा अभ्यास है। दोनों घुटनों में दूरी बना करके इस तरह से पैर खोल करके आराम से ऐसे झुकना है। जितनी बड़ी तोंद हो उतनी अधिक जगह पर आगे होनी चाहिए, और तोंद कम है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसके लिए आप इस तरह से करें और मुट्ठियों को लगा के करें। अब देखिए मंडूकासन की गिरण संहिता में एक और विधि बताई गई है, वो इस प्रकार से दोनों पैरों को खोल लेना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाने के बाद ऐसे दूरी बनाने के बाद कमर को सीधा रखते हैं। ये विशेष अभ्यास है, इसे बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ऐसे आरामदायक स्थिति में कमर सीधी करके ऐसे सीधे बैठते हैं। कुछ पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों को अपनाएं। पेट के बल आराम से लेट जाते हैं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को मोड़ेंगे, नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको आप 3 बार कर सकते हैं, कम से कम 1 बार करें। अब इसी क्रम को दोनों हाथ सामने रखकर श्वास भरें, तो हाथ को सीधा कर देते हैं। ये भी भुजंगासन का दूसरा प्रकार है। श्वास छोड़ें, आवाज कम आ रही है क्या, इसकी आवाज तेज करो, इसकी ये वाली की आवाज तेज करो। खुले कल से उससे कर लेना, इसकी आवाज थोड़ा रिलैक्स करेंगे,
उसके बाद मुट्ठियों को बंद करेंगे और एक एक पैर को उठाएंगे, श्वास भरेंगे, पहले दाहिने पैर को श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को नीचे लाएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे श्वास भरना है ऊपर, श्वास रोक कर रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास सामान्य रहेगा। श्वास छोड़ें, अब हम लोग बाएं करवट से पीठ के बल आ जाएंगे, कुछ पीठ के बल के अभ्यास, फिर बैठने वाले प्राणायाम और ध्यान करके समापन करेंगे, क्योंकि कल थोड़ा जल्दी अभ्यास शुरू करेंगे 6 बजे से, क्योंकि जितना लेट होता है उतना अभ्यास का लाभ भी न्यून होता जाता है। जितना जल्दी किया जाए 5 से 6 सबसे उत्तम है, 6 से 7 भी सामान्य क्रम में अच्छा है, क्योंकि 5 से 6 सभी लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए 6 से 7 रखेंगे कल से। अब देखिए, अब दोनों पैर 30 डिग्री उठाएंगे, उत्तान पादासन, धीरे से नीचे लाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारा पेट इतना व्यवस्थित रहे, ऊपर नीचे करने में किसी प्रकार की जर्किंग ना हो, ना जम ना जो है बहुत वाइब्रेशन हो। 60 डिग्री, धीरे धीरे 90 डिग्री, नाइन्टी में स्थिरता प्रदान करें, 60 में करें, ग्राउंड पर लाएं, रिलैक्स। चलिए अब हम लोग पवन मुक्त आसन करेंगे, श्वास भरेंगे और घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास की गति सामान्य रहेगी। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, ऐसे और भी बहुत सारे अभ्यास हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब हम समापन विधि वाला लास्ट का आसन, ये मेरुदंड का अभ्यास। मेरुदंड को ट्विस्ट करना चाहिए सभी को, मेरुदंड की ट्विस्टिंग से आरोग्य बढ़ता है, कब्ज दूर होती है और पेट के सारे विकार नष्ट होते हैं। पेट में जैसे लीवर का फंक्शन अच्छा रहेगा, फैटी लीवर बैलेंस होगा, स्प्लीन आपका अच्छा रहेगा, आपका गॉल ब्लैडर अच्छा रहेगा, इंसुलिन का स्राव अच्छा होगा, डायबिटिक पेशेंट को भी आराम मिलता है इससे, इसमें हार्निया की प्रॉब्लम दूर होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग्स कैपेसिटी अच्छी रहेगी, स्पाइन का दर्द नहीं होगा, जैसे बैक पेन नेक पेन जो होता है, सी डिस्क वगैरह सारी डिस्क इससे बैलेंस हो जाती है, इससे 33 वर्टिब्रा हमारी बैलेंस रहेंगी। ये अभ्यास ऐसा है कि इस
स्पाइन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने से हमारे शरीर के सभी अवयवों को व्यवस्थित करता है, सारे सिस्टम को, और हमारी मनस्थिति को भी इससे संतुलन प्राप्त होता है। जिन लोगों का मन बहुत अशांत रहता है, वे लोग इस अभ्यास को करके मन को प्रशांत कर सकते हैं। शरीर में भारीपन है तो भी आप एक बार नहीं, इसको कम से कम 3-3 बार करिए, थोड़ा मेंटेन करके करिए। हम तो थोड़ा तेज कर रहे हैं, आप इससे अधिक मेंटेन कर सकते हैं। एक बार में 5 से 10 सामान्य श्वास, लंबी गहरी सामान्य श्वास काउंट करिए। लंबी गहरी होनी चाहिए सामान्य श्वास में। ऐसे आप एक एक अभ्यास को 3-3 बार 5-5 बार आवश्यकता अनुसार। इससे पेट का घेरा भी कम कर सकते हैं कि पेट पूरा खिंचता है, कमर, पेट, पीठ सब पर असर हो, कब्ज नहीं होगी, सुबह सुबह शौच करने में कठिनाई नहीं होगी, और आरोग्य आपको स्वाभाविक इसमें मिलना ही मिलना है। इसमें आरोग्य आपका बना रहेगा। आप देखिए, एक पैर ऐसे मोड़ा और दूसरी साइड में ले गए, राइट को मोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट को मोड़ा तो राइट साइड में, दूसरा हाथ रख लेंगे तो थोड़ा दबाव देने में सुविधा होगी। ऐसे पूरा नहीं दबता है, हल्का दबाव देने के लिए आप हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। जिस साइड में घुटना जा रहा है उसी साइड के हाथ को इसके ऊपर रखकर हल्का दबाव दें और ऐसे दूसरे हाथ को खींच करके सीधा रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। सभी आसनों के अंत में बॉडी को रिलैक्स कर दें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। अब हम बाएं कमर से उठकर बैठ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों को ज्यादा आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आराम में आपको विश्रांति हो जानी चाहिए। थोड़ी देर आराम करें, थोड़ी देर के बाद फिर बैठकर कपालभाति करें। कपालभाति से भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है तो कमेंट करिएगा, ठीक से आ रही है, नहीं आ रही है कि कमेंट आई है। चलिए, अब हम लोग कमर सीधी करके कपालभाति का अभ्यास करेंगे। आज हम काफी लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ध्यान वाले क्रम में आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, कमर गर्दन सीधी रख करके और लंबी गहरी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास छोड़नी है। केवल श्वास प्रश्वास को देखिए, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। लंबी लंबी सांस खींचें, छोड़ें। श्वास भीतर जा रही है, पूरे शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रश्वास बाहर जा रही है, सारे शरीर के विकार बाहर की ओर जा रहे हैं। श्वास भीतर जा रही है, आरोग्य मिल रहा है। विश्वास बाहर आ रही है, सारी व्याधियां नष्ट हो रही है। निरंतर श्वास के साथ आरोग्य भीतर की
सांस के साथ विकार बाहर की ओर, निरंतर यही क्रम हो रहा है। अब मन को सिर के ऊपरी हिस्से में लगा दें, सिर का ऊपरी हिस्सा शिथिल तनाव मुक्त हो रहा है। श्वास प्रश्वास को सामान्य चलने दीजिए, मस्तक पटल को देखें, माथा शिथिल, नासिका शिथिल, दोनों गाल शिथिल, ओष्ठ शिथिल, पूरा मुखमंडल शिथिल, तनाव मुक्त अवस्था में है, ग्रीवा की पेशियां शिथिल, वक्ष की पेशियां शिथिल, वक्षस्थल शिथिल, फेफड़े व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं, हृदय की गति व्यवस्थित हो रही है, रक्त संचार व्यवस्थित क्रम में चल रहा है। हमारे उदर के भीतर के सभी अंग व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं, उदर की पेशियां व्यवस्थित हैं, उदर की पेशियों को शिथिल, वक्ष को शिथिल, कंधों को शिथिल, दोनों हाथ भुजाओं को शिथिल करें, कमर वाला हिस्सा शिथिल, थाई मसल शिथिल, नी ज्वाइंट्स, काफ मसल, एंकल ज्वाइंट्स, हील, सोल ऑफ द फीट, पैर का तलवा, पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे से लेकर सिर पर्यंत, मस्तक पटल पर्यंत संपूर्ण शरीर शिथिल तनाव मुक्त है। एड़ी से चोटी तक पृष्ठभाग भी शिथिल तनाव मुक्त अवस्था में है। मन को श्वास विश्वास के साथ लगाएं। अब हम पूरे शरीर को शिथिल तनाव मुक्त कर चुके हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर कितना तनाव है, उस पूरे तनाव को दूर करेंगे। अब मन को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ें। माइक्रो वाला लगाते तो आते। मन को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ें। आज ध्यान वाली प्रक्रिया हम यही रखेंगे, रिलैक्सेशन के बाद दूसरे दिन से फिर ध्यान विधिवत कराएंगे थोड़ा जल्दी। अब भ्रामरी करेंगे, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों को हल्का घर्षण नेत्रों के ऊपर रखकर नेत्रों को खोलें और मस्तक पटल में विराजमान उस महाशक्ति को प्रणाम करें। आप सबको बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कल सुबह 6 बजे शुरू करेंगे। ये ट्रायल क्लास थी, इसमें देखना था कि ये सक्सेस होती है कि नहीं, कितने लोग जुड़ते हैं। कल से काफ़ी लोग जुड़ेंगे।